तो भाई ये देखो यार, फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगा। उमलिंगा पास पे आ चुके हैं और उमलिंगा पास का देख सकते हो 19,300 फीट की हाइट पे है। और सामने का व्यू देख सकते हो, ये है नुरबला नुरबले पास। तो भाई नुरबले पास का थोड़ा टफ था टेरेन जिस रूट से हम लोग आए, पर अच्छा था। और यहाँ से हम लोग अब उमलिंगा पास की तरफ जा रहे हैं और उमलिंगा पास का भी रूट काफ़ी अच्छा है। तो हमें देखना पड़ेगा आगे से कहीं से कटआउट मारना है हमें, क्योंकि हमारे पास कोई पास नहीं है। तो हम लोग वैसे ही जा रहे हैं तीसरे कोई नए रूट से। तो देखते रहिए और आपको बहुत ही अच्छा व्लॉग बनने वाला है ये उमलिंगा पास वाला भी। बहुत कुछ इसमें भी एडवेंचर है, बाकी लास्ट व्लॉग में देखा ही हो आपने क्या एडवेंचर था, बढ़िया एकदम टफ टैलेंट वाला। और फिर चलते आगे और मेरे पीछे नुरबला पास, और यहाँ से हम लोगों को नीचे की तरफ जाना है। तो और बैठे रहिए अपने फ़ोन के सामने या कंप्यूटर के सामने या टीवी के सामने और एंजॉय करते रहिए इन वादियों का। तो हम लोग मिलते हैं फिर आपको आगे। तो पिक्चर्स लेने के बाद और निकलते हैं अपने नुरबला पॉइंट से। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और नीचे से साइड लेफ्ट कट लेना है हमें कहीं। अरे वाओ भाई, ये रोड कहाँ से आ रही है? अपने उपडुंगले से उधर भी जाना पड़ो, इधर जाना। तो अपन अगर वैसे आते तो इधर से आते ना, अगर वैसे पास वास लेके आते तो उपडुंगले से क्यों नहीं आए फिर अपन? तो यार क्या रोड मिलती हुई। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रोड मिलेगी हमें यहाँ से। और यहाँ से चुस्मुले है, क्या लिखा हुआ है, 15 किलोमीटर यहाँ से। यार भाई सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए भाई ये रोड, ये भी तो इतनी हाइट बना दी रोड। तो कुछ ही देर में हम लोग आधे ही घंटे में पहुंच जाएंगे। हमें 2 घंटे होने में करीब 15 मिनट और है। 7:30 चले थे, 7:15 हो गए और 86 मतलब 36 किलोमीटर हो गए। 40 किलोमीटर और चुस्मुल 12 किलोमीटर है। तो हमें देखना पड़ेगा भाई हमें कहाँ से कट लेना है। आई थिंक नीचे जाके बिल्कुल एकदम फिर शायद कहीं कट होगा। बाकी यार ये रोड ऐसा ही रोड मुझे लगता है शायद उमलिंगा तक हमें शायद मिलेगा ये रोड, या हो सकता है थोड़ा बहुत बीच में कच्चा मिले। पर उमलिंगा जो रोड जा रहा है ना वो बिल्कुल पक्का रोड है एकदम, थोड़ा बहुत कच्चा हो सकता है बीच में। बाकी बीआरओ ने रोड बना दिया वहाँ तक। पर यार अलग ही एक्सपीरियंस है इस रूट का, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर है भाई। 51 किलोमीटर डैम चौक, 51 है यहाँ से डैम चौक, और सॉरी पीछे इंटर डैम चौक आगे की तरफ है क्योंकि पीछे तो पोस्ट बने हुए हैं। फोटो टाइम चौक के साथ हाँ जल्दी चलो। तो
थोड़ा सा हमें जल्दी कवर करना पड़ेगा ये वाला रूट, क्योंकि हमें वापस उस पुल से वापस जिस रूट से आए थे हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ITP की पोस्ट है उधर पुल के पास में। बाकी देख सकते हो भाई पूरी पोस्ट वोस्ट बना रखी है ऊपर की तरफ, पर अपनी सिक्योरिटी के लिए भाई डैम चौक 50 किलोमीटर यहाँ से। बाकी डैम चौक में तो अपनी आर्मी है ही पूरी पूरी। ये रूट हमें उमलिंगा ले जा रहा है और उमलिंगा से नीचे डैम चौक उतार देगा, तो हमें वहाँ तो जा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो अपनी LAC आ जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे चाइना की भी आर्मी बैठी है। तो हमें उमलिंगा से जल्दी से कवर करके फट देने से हमें वापस वही अपना जो पास जो जिस रूट से आए उसी रूट पर जाना है वापस से। तो 49 डैम चौक, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और हाँ 49 किलोमीटर आप मान लो अपना बॉर्डर है, अपना बॉर्डर एरिया का 49 किलोमीटर के बाद। फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगा, तो हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगा पहुंच गए, और भाई व्यू खतरनाक है यार। तो भाई ये देखो यार, फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगा, और ये अपनी मशीनरी रही दोनों, और भाई पता नहीं कैसे करके यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, पर अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है भाई। फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगा, इस व्लॉग के बारे में जितना पूछना है पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छा रूट बताऊंगा मैं, बहुत ही अच्छा कि कैसे आप आ सकते हैं यहाँ पे। और ये अपना फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगा। तो भाई जैसे देखा आपने फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगा, और वो फर्स्ट व्यू था, और उसके बाद अपना उमलिंगा पॉइंट आने वाला है आगे थोड़ी देर में, तो बस आपको दिखाता हूँ उमलिंगा का व्यू। और काफ़ी ठंड हो गई ऊपर आगे, और आई थिंक हो सकता है हमें कैमरा रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा फुटेज नहीं ले सकते आगे की, क्योंकि डैम चौक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 36 किलोमीटर समथिंग कुछ है यहाँ पर दिखा रहा था अभी। आई थिंक हम लोग उमलिंगा पहुँच गए। यू आर हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, नहीं अभी थोड़ा फियरलेस एंड फ्री 35 डैम चौक। तो डैम चौक करीब करीब है यहाँ से 30 किलोमीटर और उमलिंगा पास आने वाला है, जस्ट थोड़ा सा और ऊपर है, और नहीं शायद पीछे रह गया वापस, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे वो आ रहा, और भाई नज़ारे शानदार है, और 5-7 मिनट में हम लोग उमलिंगा पास पहुंच जाएंगे, तो चलते फिर आगे। फाइनली हम लोग उमलिंगा पास पे आ चुके हैं, और उमलिंगा पास का देख सकते हो 19,300 फीट की हाइट पे है, बहुत ही शानदार व्यू भाई। एवरेस्ट बेस कैंप से भी सबसे ज़्यादा हाइट पे है इस टाइम, तो वर्ल्ड का फर्स्ट माउंटेबल हाइएस्ट पास 19,300 फीट पे उमलिंगा। नहीं हाथ नहीं 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 तो वर्ल्ड के हाईएस्ट पास उमलिंगा 19,300 फीट पे BRO ने बनाया भाई, BRO में काम करते हो आप लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 19,300 फीट की हाइट पे भाई, हाथ तेरी भाई। तो गाइस
से अपन सेम रूट पे चलते हैं, बाकी अपनी मशीनरी ये रही। और व्यू देख लो भाई यहाँ के तो, और बाकी इसके बारे में रूट के बारे में आपको अपडेट नीचे जाके देता हूँ मैं। हम लोग यहाँ से कहीं से आए थे ऊपर और वापस नीचे उतर रहे हैं यहाँ से राइट होने के बाद, और क्या व्यू है भाई देखो, सुनसान पूरा एकदम। ये शॉर्टकट रास्ता जो हमने लिया था यहाँ से, अभी जस्ट उमलिंगा से क्रॉस करके आए जस्ट, और बहुत ही भाई एंजॉय करके मज़ा करके आए। तो आज का हमारा प्लान है सोमवरी सोकार का, एक तो बज गए, देखो कब तक हम लोग पहुँच पाते। इस होम स्टे में हमारा स्टे बहुत अच्छा था और हमको फूड वूड भाई बकायदा अच्छा फूड मिला, नाश्ता भी मिला यहाँ पे खाने को अच्छी बात। तो यहाँ से चलते हैं फिर आगे लोमा न्योमा होके, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं सोमवरी। एक तो बच गया दिन हो गया, मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप हो रही है यहाँ पे, तो आपको आगे मिलते हैं। तो भाई ये देखो ये क्या जा रहा है अरे भाई टैंकर, क्या व्यू आ रहा है भाई यहाँ से, ऐसा जैसे पेंगोंग लेक घूम रहे हो पर ये है सोमवरी लेक।